नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि सदन में बीजेपी सरकार के इशारे पर काम होता है। सरकार जो चाहती है उन्हीं मुद्दों को सदन में पेश किया जाता है। कमलनाथ ने कहा कि ऐसी कार्रवाई कांग्रेस को कभी स्वीकार नहीं। विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चलाने के मद्देनजर उन्होंने कहा कि सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। सदन में केवल सरकार के मुद्दे शामिल किए जाते हैं। कांग्रेस चाहती है कि सदन में ओबीसी, खाद, बिजली सहित रोजगार को लेकर कांग्रेस सदन में चर्चा करना चाहती है। सत्ता पक्ष को इसमें पूरा समय चला जाता है, कभी उनके विधेयक होते हैं, कभी ऐसी मुद्दे लिए जाते हैं जहाँ सत्ता पक्ष के कहने पर लिए जाते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। आज बड़े जलते हुए मुद्दे हैं, हमारे पिछड़े वर्ग आरक्षण का मुद्दा है, हमारे खाद बीज का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये मुद्दे क्या सरकार स्वीकार करती है कि हम इसको लें, 139 में हम टेकअप करें, हम स्थगन प्रस्ताव लाएं? एक दफ़ा क्यों नहीं होता स्थगन प्रस्ताव? हो सकता है कोई गवर्नमेंट तो गिरने वाली नहीं है, पर कार्रवाई उस प्रकार चलनी चाहिए कि सब सोचें कि उनके साथ न्याय हुआ है। हमने बढ़ाने की मांग करी है, दिन में समय बढ़ाने की मांग करी है, हमने कहा 24 तारीख के बाद भी इसे चलाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।